हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही है कि हम लोग रोज़ वीडियोस में डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड, जो हमारा एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो आज हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक लिया है, मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। ठीक है, ईच डे हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेते हैं और उनके डिफरेंट टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, उसका वीडियो मैंने पहले ही बताया है, जिसका ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम हमेशा साथ में डिस्कशन करते रहें। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। मतलब हमें मूल्यांकन तो पता ही है क्या होता है। मूल्यांकन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। ठीक है, अब हम मूल्यांकन क्यों करते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य है, इसे हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण करना है। मतलब मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, मूल्यांकन का जो सबसे पहला उद्देश्य है ये लिया गया है कि अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो मूल्यांकन के आधार पर ही हम छात्रों को बांट सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें इवोल्यूशन करना है, ठीक है, तो अगर हम इवोल्यूशन करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्लास में चार बच्चे हैं और जिसमें से सबसे अच्छा बच्चा बी है, उसके बाद ए है, फिर डी है, फिर सी है, तो इसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बांट सकते हैं। यानी मूल्यांकन का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों का वर्गीकरण करना। अच्छे विद्यार्थियों को, तेज विद्यार्थियों को एक साथ कैटेगरी में किया जाएगा, उससे कम को एक कैटेगरी में किया जाएगा, उससे कम को एक कैटेगरी में किया जाएगा। दूसरा है, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को उचित शैक्षिक मार्गदर्शन किए जाते हैं। मतलब अगर हम एवोल्यूशन कर रहे हैं, समय समय पर हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चों में कैसी प्रगति हो रही है, कैसी प्रगति नहीं हो रही है, तो उसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को उसके एडुकेशन में क्या कर सकते हैं, मार्ग निर्देशन कर सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जिसका जो अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर रहा है और उसकी कमी हमें पता चल गई। कब पता चली, जब हमने मूल्यांकन किया, तो मूल्यांकन के आधार पर हमें बच्चों की कमियां भी पता चलती हैं और उसी के माध्यम से हम उसे शैक्षिक मार्ग निर्देशन भी करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में उचित संशोधन किया जा सकता है। मान लीजिए हमारा जब नया सेशन स्टार्ट हुआ स्कूल में, तब हमने क्या किया, कुछ दिन के बाद हमने इवोल्यूशन किया। इवोल्यूशन से ये पता चला कि बच्चे जो हैं, जो हमने सिलेबस दिया है वो अच्छे से नहीं हो पढ़ पा रहे हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अगर हम इवोल्यूशन नहीं करते तो क्या हमें पता चलता कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें उनको वो समझ में आ रहा है या नहीं। तो इससे हमें क्या पता चला कि मूल्यांकन के द्वारा हम जो भी सिलेबस यूज़ कर रहे हैं, जो भी पाठ्यक्रम यूज़ कर रहे हैं, वो सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों में अधिगम की मात्रा ज्ञात करने में सहायता मिलती है। मतलब अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। अगर हम केवल पूरे साल भर पढ़ाते जाएं, एक बार भी हम एग्ज़ाम नहीं लें, एक बार भी मूल्यांकन नहीं करें, तो क्या हमें पता चलेगा कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मूल्यांकन समय समय पर करना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य ही होता है कि बच्चे ने क्या सीखा और कितनी मात्रा में सीखा। फिफ्थ पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों की सफलता का मापन किया जाता है। मतलब मूल्यांकन के द्वारा छात्र की तो बहुत सारी खूबियां पता चलती ही हैं, साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि शिक्षक कैसा कर रहा है या कैसा नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कि कोई किसी स्कूल में एक न्यू टीचर जाते हैं, वो कंटिन्यूसली 1 मंथ 2 मंथ पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मतलब बेकार पढ़ा रहे हैं। तो अगर इवोल्यूशन नहीं किया जाए कि वो शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है या कैसा नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या उसमें उसकी कमियों को हम पता कर पाएंगे, नहीं ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर हम शिक्षक की सफलता को देखना चाहते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि हम मूल्यांकन करें। मूल्यांकन नहीं करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिक्स पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की योग्यताओं और दुर्बलताओं की जानकारी प्राप्त होती है। सही बात है, अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बच्चे कितने योग्य हैं और उसमें क्या क्या कमियाँ हैं। सेवन्थ पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण विधियों का भी पता लगाया जाता है। हाँ, अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जो हम टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं, उससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है या
नहीं। अंत में मूल्यांकन का एक उद्देश्य यह भी होता है, इस बात की जानकारी प्रदान करना होता है कि छात्रों की विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है। मतलब अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि छात्र की जो व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताएँ जो जो हैं उन्हें हम कैसे पूरा करें। तो इस प्रकार हमने सीखा कि मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं और मूल्यांकन कितना ज़रूरी होता है। अगर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि छात्र प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप आपको इस वीडियो में मूल्यांकन के उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप एग्ज़ाम में भी इसे अच्छे से लिखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट इज़ नम्रता जायसवाल, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे, बाय बाय।